और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई का पहला फेज अब खत्म हो चुका है। इसमें अब तक राज्य में अवैध रूप से बनाई गई 388 मजारों को हटाया जा चुका है, जिसमें अब तक 252 हेक्टेयर वन भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त की गई है। लेकिन मजारों को हटाने पर सियासत भी हो रही है। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। न केवल देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में बनाई गई मजारों पर भी कार्रवाई हो रही है। बद्रीनाथ वन प्रभाग में बनी कई मजारों को भी ध्वस्त किया गया है। बद्रीनाथ वन प्रभाग की 125 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण को ध्वस्त किया गया। नहीं, जो भी वन भूमि पर होगा, जो अवस्थित होंगे ऐसे कोई धार्मिक संस्थान है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और आदेशों के क्रम में जो है, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की अपनी पॉलिसी भी 2016 में बनाई गई थी, उसमें तो इसमें पब्लिक प्लेसेस या जो गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर इस प्रकार के धार्मिक संरचनाओं को जो है अनऑथराइज रूप से बनाने का अनुमति नहीं है इसमें। मजारों के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। लेंस डाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का आरोप है कि ये अतिक्रमण कांग्रेस के समय में हुए थे, जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये कैसे बनी, इनकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे मजारों का निर्माण किया गया है और उनको पीड़ा है इस बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अवैध जो मजारे निर्माण हुआ है उन सबको ध्वस्त करेगी। कहने का आशय क्या है कि कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर धार्मिक दृष्टिकोण से अगर कुछ लोग जमीनों को हड़प रहे हैं और इस प्रकार का वातावरण बनता है तो ये राज्य के हित में नहीं है। दिलीप सिंह के आरोपों पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये कहना कि कांग्रेस के जमाने में हुआ, ऐसा कोई दस्तावेज मैं समझता हूँ सरकार के पास नहीं। सरकार ने कहा कि अवैध कब्जेधारियों को हम हटाने का काम करें। कांग्रेस ने कहा कि अगर आप अवैध कब्जाधारियों को हटाते हैं तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। खंड में अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। देहरादून, पौड़ी और राजा जी नेशनल पार्क में अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। अभी तक प्रदेश भर में 401 मजारों और 42 मंदिरों को जमींदोज किया जा चुका है। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। वही रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में स्थित रिजॉर्ट में जो सैलानी आते हैं उनके वाहन कॉर्बेट की सीमा के अंदर खड़े किए जाते हैं, जो एक अतिक्रमण के दायरे में भी आता है। रिजॉर्ट के कर्मचारी और गेस्ट होटल का कचरा भी कॉर्बेट पार्क की सीमा के अंदर ही फेंक देते हैं। वन्य जीव उस कचरे को खाने के लिए आबादी की तरफ रुक कर लेते हैं। इसी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने आज अतिक्रमण से निजात पाने के लिए खाई खोदने का कार्य शुरू करवा दिया है। ये कार्रवाई ये है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में कुछ वाहन खड़े होते थे जिनके द्वारा यहाँ पर प्लास्टिक और कचरा फेंका जाता था, तो इसलिए कि एक छोटी सी खाई खोदी जा रही है जिससे कि वाहन पार्क क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए और कूड़े की समस्या से बचा जा सके, साथ ही अतिक्रमण से भी रोकथाम हो सके। अतिक्रमण हटाने का ये कार्यक्रम चलेगा, यहाँ से ढिकुली तक चलेगा।